प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से हर गरीब को लगभग 60 करोड़ गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है। और मोदी जी की घोषणा है, मोदी जी की गारंटी है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया जाएगा, उसे सुविधा फ्री में उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय या फिर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिला है। और उत्तर प्रदेश में तो होली और दीपावली को एक एक भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध हो रहा है। बहन और भाइयों, 10 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों को, गरीबों को मकान मिला है। तो मोदी जी की गारंटी है कि अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए गरीब जिसके पास अपना मकान नहीं, उनको छित छिर ढकने के लिए एक एक आवास भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत देंगे। सम्मान भी, सुरक्षा भी, विकास भी और गरीब कल्याण भी। और बहन और भाइयों, विरासत का सम्मान भी। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। क्या ये काम समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते क्या? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग बीएसपी के लोग कर पाते क्या? बहन और भाइयों, जो दुनिया के लिए, देश के अन्य दलों के लिए असंभव था, मोदी जी ने उसको मुमकिन करके जो पिछली बार नारा लगाता कि मोदी है तो मुमकिन है, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत और विकास की यात्रा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर एक बार 400 पार के लक्ष्य के साथ समर्थन मांगने के लिए मोदी जी आपके पास आए हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, देश के अंदर आपस में लड़ाओ, बांटो और राज करो के सिद्धांत के साथ चल रहा है। पहले जाति, पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन किया, और अब जाति जाति में लड़ाने का कार्य करने के लिए लोग फिर से आए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इनकी घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं और इनके सहयोगी दल जो बातें देश के अंदर कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल में संतों के खिलाफ रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने जिस मिशन की स्थापना अपने पूज्य गुरुदेव परमाध्यात्मिक संत परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर किया था, आज उन्हें वहां की कांग्रेस गठबंधन का एक सहयोगी उन संतों को धमकी दे रहे हैं, भारत सेवा श्रम संघ के संतों को धमकी दे रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे रावण राज हो गया हो, फिर से ये धमकी देंगे, संतों को जीना हराम कर देंगे, इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास हो रहा है। ये लोग अपने घोषणा पत्र में जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को हड़पना चाहते हैं, लोगों के हकों पर भारत के विभाजन को फिर से तैयार करना चाहते हैं, पर्सनल लॉ लागू करके बेटी को स्कूल जाने से वंचित करना चाहते हैं, महिलाओं को बाजार जाने से रोकना चाहते हैं, उनको फिर से बुर्का पहनने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। क्या भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा या किसी सरिया कानून से चलेगा? बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से ही चलेगा, भारत में कोई सरिया कानून लागू नहीं होगा, पर्सनल कानून लागू नहीं होगा। उस मूल्यों के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के लिए ही मोदी जी ने पंच तीर्थ की स्थापना की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और आज इसी का परिणाम है कि भारत इतनी सारी योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में मिली,
लेकिन किसी का चेहरा नहीं देखा गया, किसी की जाति नहीं पूछी गई, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा गया। योजना का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ पूरे समाज को दिया गया, लेकिन सपा और कांग्रेस के समय में चेहरा देखकर के योजनाएं दी जाती थी, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए योजनाएं बनती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, और गाजीपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण था। बहनों और भाइयों, गाजीपुर हो या आजमगढ़, मऊ हो या फिर आसपास के जनपद, ये सब भय और आतंक के साए में जीते थे, लेकिन आज आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला तो बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा हो या फिर समाज को एक संतुलित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का जो नारा है, पूरे देश का जो स्वर है, वह हमें फिर से एक बार जो नारा है कि अब की बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ गाजीपुर संसदीय सीट पर श्री पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आशीर्वाद से, सुहेलदेव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी, अपना दल, इन सभी ने अपना समर्थन दिया है। गाजीपुर मोदी जी को आश्वस्त करे कि गाजीपुर से श्री पारसनाथ राय भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे, आप आश्वस्त करेंगे? पूरा गाजीपुर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? 1 जून को जब चुनाव होंगे तो श्री पारसनाथ राय जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के गाजीपुर से जाएंगे? गाजीपुर विकास और सुशासन के इस मॉडल का एक बार फिर से केंद्र बनेगा? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मैं आप सब की ओर से